हेलो दोस्तों, एनएस के लाइव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कोरोना वायरस अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे पूरे देश की कि पूरे देश में टोटल कंफर्म केस कितने हो चुके हैं और एक्टिव केस कितने हैं। उसके बाद कुछ राज्यों की बात करेंगे किस राज्य में कितने कितने केस हैं, और महाराष्ट्र में तो 1 लाख से भी ज़्यादा केस पहुँच चुके हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बात करते हैं हम पूरे देश की। तो इंडिया में पिछले 24 घंटों में 11,314 मरीज पाए गए हैं। इसी के साथ जो टोटल कन्फर्म केस हैं वो 3,09,603 हो चुके हैं। अगर हम एक्टिव केस की बात करें तो 1,46,460 एक्टिव केस हैं, और अगर हम ठीक हुए मरीजों की बात करें तो 1,54,231 ठीक हो चुके हैं। और अगर हम डेथ की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 388 मौतें हुई हैं। इसी के साथ 8,890 टोटल कंफर्म डेथ हो चुकी हैं। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 3,493 केस पाए गए हैं, और जो कन्फर्म केस हैं वो 1,01,141 हो चुके हैं। एक्टिव केस की बात करें तो 49,628। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो यहां टोटल कन्फर्म केस 40,698 हो चुके हैं। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 528 केस पाए गए हैं। इसी के साथ जो टोटल कंफर्म केस हैं वो 12,616 हो चुके हैं। अगर एक्टिव केस की बात करें तो 4,642। अगर हम ठीक हुए मरीजों की बात करें तो 317 मरीज ठीक हुए हैं पिछले 24 घंटों में। इसी के साथ जो टोटल ठीक हुए मरीज हैं वो हैं 7,609। अगर हम मौतों की बात करें तो यहाँ पर डेथ 365 हो चुकी हैं, और जो पिछले 24 घंटों में डेथ हैं वो 20 हो चुकी हैं। एक्टिव केस वो केस होते हैं जिनका इलाज चल रहा होता है। यदि आप भी जानना चाहते हो अपने ज़िले में कि आपके ज़िले में कितने केस हैं या आपके स्टेट में कितने केस हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं अपने ज़िले का नाम और अपने स्टेट का नाम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।